और स्थित प्रज्ञ होके क्या आप विचारों को देख सकते हैं, देखना है सर, ऑटोमेटिक है। तो मेरे ऐसे कई पेशेंट बोलते हैं यार आपने तो ये बता दिया, हमको बहुत अच्छा लगा, अभी मैं बैठ के वो विचारों को देख सकता हूँ, आ रहे जा रहे। अभी मैंने निगलेक्ट करना चालू किया, इग्नोर करना चालू किया और अभी मुझे तकलीफ होती नहीं। विचार आते पर वो तकलीफ होती नहीं, मैं ख्याल देता नहीं हूँ, एक तो वो है। दूसरा है कि जो विचार आते हैं तब उसके ऊपर जो कृति करने की इच्छा होती है वो कृति नहीं करना, मतलब कंपल्शन जो होता है, जो एक्शन करनी पड़ती है वो करने का नहीं। तो फिर क्या होगा, बहुत एंग्जायटी बहुत डेवलप होती है, मगर कृति आप करेंगे नहीं, होने दो, कितनी एंग्जाइटी होती है। तो धीरे धीरे एंग्जाइटी कम हो जाए, क्योंकि होता क्या है कि आपको विचार आया, एंग्जाइटी हो गई, फिर कृति किया अच्छा लगा, फिर बाद में विचार आया, एंग्जाइटी होगी, कृति किया अच्छा लगा। तो ये तो न्यूरल पाथवेज पक्के हो रहे, तो ये करने का नहीं, कृति नहीं करने की, अरे विचार आने दो। तो ये करेंगे तो डेफिनेटली ओसीडी के ऊपर फायदा हो सकता है। आजकल ओसीडी के लिए सर्जरी भी निकली है, सर्जरी ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं, बहुत ज्यादा हो गया, कभी कभी पेशेंट वायलेंट हो जाता है और फिर उसके लिए हम शॉक ट्रीटमेंट भी देते हैं, क्योंकि उसको ओसीडी के साथ में बाकी साइकोसिस भी है।